श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत् वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात्, संगं युधस्यो भयतोन्तरात्मना, विन्नन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूण द्रुपविन्दपुल्कषा, आभीरशुम्भा यवनाकसादय, येने च पापा यदपाश्रयाशया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं तस्मै श्री। ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुति करते हुए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति वीणा यदर्पणं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, मनस्विनो
त्रविध सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति वीना यदर्पणं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविध सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। शब्दात् तपस्विना यानी बड़े बड़े विद्वान ऋषि, दानपड़ा बड़े बड़े दानी, यशस्विना बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठ, मनस्विना बड़े बड़े दार्शनिक या योगी, मंत्रविदः वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले, सुमंगला वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी, क्षेमम सकाम फल न विन्दति कभी नहीं प्राप्त करते, विना रहित यद अर्पण जिनको समर्पित किए बगैर, तस्मय उनको सुभद्रा शुभ श्रव से उनके विषय में सुनकर, नमः मेरा नमस्कार, नमः पुनः पुनः। अनुवाद, मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ के भी दो ही प्रकार हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारिक स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है, अर्थात अपराधमयी। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने का कारण अपने को निर्दोष बताए, तो किसी भी देश के कानून द्वारा उससे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक ईश चेतना ना रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ना हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही होते हैं। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या यहाँ तक कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना, यथा दान, अस्पताल खोलना,
अन्न दान करना, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्य तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं, संसिद्धिम हरि तोषण। श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जहां तक यह कहा गया है कि हम जो भी दान दें तथा जो भी तपस्या करें, वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण जब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वे ईश भावना भावित नहीं हो। और ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम्, मूकं कुरुतु वाचालम्, पंगु लंघयते गिरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं, परमानन्दमाधवं, श्रीचैतन्यईश्वरं। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 4, जिसका शीर्षक है सृष्टि पर क्रम। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज इस सृष्टि के विषय में जानना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, मुझे बताइए प्रभु कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना कैसे की। और इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी भगवान के विषय में कुछ बोलने से पहले भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करके ही भगवान के विषय में कुछ बोला जा सकता है। वास्तव में हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता है भी नहीं, ऐसा कोई ज्ञान है भी नहीं कि हम भगवान के विषय में बोल सके। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी कोई भी योग्यता ऐसी नहीं है जिसके विषय में हम भगवान के विषय में जरा सा भी बता सके। वास्तव में तो हमारा ज्ञान वास्तव में जो भी है वो कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त होता है। और यदि कृष्ण के विषय में बोला जाए तो वो कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त, कृष्ण की कृपा के अलावा तो संभव ही नहीं है। यही बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि जीव भगवान के विषय में जब बोलना चाहे तो वो एक ही उपाय है उसका, एक ही तरीका है कि उस पर भगवान की कृपा हो। और भगवान की कृपा कैसे होगी? जब वो भगवान की शरणागति करेगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये भौतिक बुद्धि जो है उसके द्वारा मुझे समझा नहीं जा सकता, इसलिए क्या करो, सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से कंटिन्यूस मेरा भजन करो, फिर मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे तुम मुझे समझ सकते हो। तो इसीलिए बारम्बार इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और आज अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि संसार में लोगों के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, लेकिन हमारी संपूर्ण योग्यता क्योंकि भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुई है, तो हमारे अंदर चाहे कोई भी योग्यता हो, यदि हम उसके द्वारा कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो वो सब कुछ बेकार है। वो वास्तव में हमारे लिए कभी भी क्षेम, कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती है जब तक कि उस वस्तु को, उस योग्यता को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते।
इसी बात को बताते हुए कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो। तपस्विनो, यदि कोई बहुत बहुत तपस्या करता है, यदि वो बहुत भारी तपस्या करता है, पूरा जीवन तपस्या करता रहता है, लेकिन यदि उसकी तपस्या का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है तो वो बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं है, उसी तपस्या के द्वारा उसका विनाश हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु ने हजारों साल तक, 36,500 साल तक तपस्या की, किसको प्रसन्न करने के लिए? ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं था, तपस्या उन्होंने की थी, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि वो भगवान के साथ युद्ध करके उनको हराएंगे, वो अमर होना चाहते थे, और उसी तपस्या के रिजल्ट में ब्रह्मा जी ने उनको जो वरदान दिया उसी के द्वारा नरसिंह भगवान ने उनका वध कर दिया। लेकिन वही तपस्या जब भगवान की प्राप्ति के लिए की, द्रु महाराज ने केवल 6 महीने, 5 साल का बालक है, 6 महीने तक तपस्या की, और आज तक द्रु महाराज का नाम इतिहास में महान भक्तों में शुमार होता है। जब भी महान भक्तों की बात होती है तो द्रु महाराज का नाम लिया जाता है। तो तपस्या यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता है तो वो हमारे लिए, यहाँ साफ साफ बताए, क्षेमम न विंदंती विना यदर्पणम, उसको यदि अर्पण नहीं करेंगे तो उससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई फायदा होगा नहीं, क्षेम प्राप्त नहीं होगा, फल प्राप्त नहीं होगा, वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं होगा यदि हम कितनी भी तपस्या करते हैं। उसी तरह से दान परा, दान मतलब बहुत बहुत दान देने की यदि किसी की इच्छा है, यदि वो बहुत सारा दान देता है लेकिन उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, तो फिर उस दान से उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बेकार है सब। जैसे करण, करण को महादानी कहा जाता है, दान वीर करण, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ दान दिया, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि अपने शरीर से लगा हुआ कवच और कुंडल भी इंद्रदेव को उन्होंने दान दे दिए, लेकिन उसी करण को युद्ध भूमि में छल से मार दिया गया। करण के पास तो एक ऐसी शक्ति थी कि उसने ये शक्ति अर्जुन के लिए संभाल के रखी थी, और उसने सोचा था कि मैं अर्जुन को जरूर, कुंती महारानी आई थी करण के पास, बोला पुत्र मैं तुमसे एक ही बात कर रही हूँ कि मेरे 5 पुत्र जो हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए युद्ध में। तो उसने बोला माता आपके 5 पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी, या तो अर्जुन मरेगा या तो करण का वध होगा। तो भगवान ने देखा कि इतना बड़ा दानी है लेकिन वो दान किस लिए कर रहा है? अपने यश के लिए कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है। तो उस करण ने जब वो शक्ति वाला बाण अर्जुन की तरफ लगाया तो भगवान ने सोचा कि मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान ने जोर से रथ को उस टाइम पर पैर मारा और जो घोड़े थे वो टर्न हो गए और रथ नीचे आ गया। वो जो शक्ति थी वो अर्जुन के, जो अर्जुन का ताज पहना हुआ था ना, उसके ऊपर लगी। अगर वो थोड़ा भी नीचे आ जाता ना, जैसे अगर भगवान पैर नहीं लगा था तो गर्दन काट देते अर्जुन का। करण के अंदर बड़ी शक्ति थी लेकिन फिर भी, क्योंकि उसने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित नहीं किया, भले उसके अंदर दान का कितना बड़ा सद्गुण था लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। यशस्विनो, यशस्विनो का मतलब है कि लव प्रतिष्ठा, जो बहुत ज्यादा यशस्वी हो, फेम हो, जैसे भीष्म पितामह के नाम से कौरव वंश की समृद्धि हो रही थी। भीष्म पितामह का नाम आज भी इतिहास में बहुत ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। वह भीष्म जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, हस्तिनापुर जैसे समृद्ध राज को
बिल्कुल मिट्टी के ढेर की तरह त्याग दिया। उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए। इतना अपने पिताजी के लिए उन्होंने अपने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली। इतना यशस्वी होने के बावजूद भी उनको पार्थ के बाणों के द्वारा मरना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर योग्यता तो थी, लेकिन वो योग्यता उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज नहीं की। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्षेमम नविंदंती विना यदर्पणम। आपकी योग्यता आपके लिए क्षेम लाभ तभी प्रदान कर सकती है जब उस योग्यता को आप भगवान के लिए समर्पित करो। तो चाहे आप बड़े से बड़े तपस्वी हो, बड़े से बड़े दानवीर हो, बहुत ही यशस्वी हो, या मनस्विनो मतलब जो बहुत बहुत बड़ा योगी हो, मन में जो योग साधना करते दार्शनिक होते, तो बहुत बड़े योगी बन जाओ, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि वो कार्य नहीं करता है तो कोई लाभ नहीं है। जैसे दुर्वासा मुनि के पास बहुत शक्ति थी, योग शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस योग शक्ति का थोड़ा सा भी उन्होंने जब यूज किया किसके लिए, भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचाने के लिए, तीनों लोकों में भगा भगा के भगवान ने उसे उस भक्त के चरणों में गिरा दिया, क्योंकि उनके अंदर योग शक्ति तो थी परंतु वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं यूज कर रहे थे, उसको बड़ी साधना की थी। ये दुर्वासा मुनि कोई साधारण नहीं थे, बहुत ही महान योगी थे, लेकिन फिर भी उनकी मानहानि हुई, क्योंकि उन्होंने अपने योग्यता को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। मंत्रविदा मतलब जिनको वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले होते हैं, बहुत बहुत वैदिक मंत्र आते हैं जिनको, वो भी अपने सारे शास्त्रों के मंत्रास को कंठस्थ भी कर लें, लेकिन यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्षेमम नविंदंती। जैसे रावण बहुत ज्ञानी था, उसे चारों वेदों के मंत्रास जो थे वो कंठस्थ थे, वो जो उच्चारण था ना उसका, वेदों का मंत्रविदा, उसका उच्चारण इतना सुंदर था कि जब देवता भी यज्ञ करते थे तो रावण को बुलाते थे कि हाँ भाई हम यज्ञ कर रहे हैं, आपका मंत्र उच्चारण बहुत अच्छा है, तो आप मंत्र उच्चारण कीजिए। लेकिन उस रावण को राम के बाणों से मरना पड़ा, कोई यश प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, इन सबके अंदर बहुत बड़े बड़े गुण हैं, लेकिन वो उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। आगे है सुमंगला, यानी वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी, जो बहुत बहुत वेदों के सिद्धांतों पर के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, बहुत बहुत वेद का ज्ञान था उनको। जब उनके पास महाप्रभु आए तब महाप्रभु को उन्होंने कहा कि आप भी तो वेद के ज्ञान ज्ञाता है, फिर आप ये क्यों महामंत्र का उच्चारण करते हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि गुरु मोहे मूर्ख जाने करे लो शासन, रटो तुम कृष्ण नाम, यही वेदांत का सार। कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये बताया है कि वेद के शब्दों को, वेद के सिद्धांतों की को पालन करने का एक ही मकसद है, उसका सार एक ही है कि हम भगवान से प्रेम करें। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यो, सारे वेदों को जानने का मकसद क्या है कि मुझे जाना जाए, मुझसे प्रेम किया जाए। लेकिन यदि कोई वेद को जानता है, वेद के समस्त सिद्धांतों का अनुयायी तो है, लेकिन भगवान को नहीं जानता, भगवान को सरेंडर नहीं करता, उनकी शरणागति में नहीं जाता, तो क्षेमम न विंदति, तो फिर कोई लाभ नहीं है हमारे ज्ञान का, हमारे यश का, हमारे पराक्रम का, हमारे दान का, हमारी शक्ति का, हमारे किसी भी योग्यता का कोई लाभ नहीं है, जब तक हम भगवान की खुशी के लिए उसको यूज ना करें।
यही बात श्री प्रभुपाद जी बताते हैं श्लोक अपने तात्पर्य में कि श्रीमद् भगवद गीता 9.70 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई। 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। यत्करोषि, तुम जो कुछ कर रहे हो, यदश्नासि जो कुछ खा रहे हो, यत् तपस्यसि जो कुछ तपस्या करते हो, ददासि जो भी दान करते हो, वो सब करो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। यहाँ पर देखा जाए कि भगवान जो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, करोड़ लक्ष्मियां जिनकी दासी हैं, सर्वलोक महेश्वरम हैं, हम क्या दे सकते हैं? भगवान कहते हैं ददासियत, जो भी दान करते हो मुझे दो। हम भला क्या भगवान को दे सकते हैं? हमारे पास कुछ ऐसा है क्या? हम क्या भगवान को दान दे सकते हैं? नहीं। वास्तव में आप कुछ भी करते हो उस धन से, कोई भी सेवा करते हो, ये सोच कर करनी चाहिए कि मैं ये सेवा भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। वही दान जो है वो आपका सार्थक हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में तीन प्रकार के दानों के विषय में बताया गया, सात्विकी, राजसी और तामसी दान। 14.20 में भगवान सात्विकी दान के विषय में बताते हुए कहते हैं, दातव्यम् इति यत् दानम् दीयते नोपि उपकारणे देशे काले च पात्रेण तत्तानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। और राजसिक दान कौन सा होता है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी या राजसिक दान होता है। और एक दान तामसिक भी होता है। भगवान कहते हैं, अदेश काले यत् दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है, वह तामसी दान है। अब ये जो दो सारे दान हैं, जो भी दिए जा रहे हैं, भले सत्वगुणी है जो कि अपना कर्तव्य मान कर दिया जाता है, प्रत्युपकार की इच्छा नहीं होती है और बिल्कुल सही समय पर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विकी है। सत्वगुण में कार्य करने से ऊपर के लोगों में जाएंगे। और रजोगुणी कौन सा है? जिसमें हमें बदले की इच्छा होती है कि मैं दान दूंगा तो उसके मुझे बदला मिलेगा, या फिर कर्म फल की इच्छा होती है और अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, मतलब इतना दान देने की इच्छा नहीं होती लेकिन लाभ मिलेगा इसलिए करते हैं। और तमोगुणी कौन सा होता है? वो अपवित्र स्थान होती है, अपवित्र जगह होती है, अपवित्र समय होता है, अपवित्र व्यक्ति होता है और मतलब उसके अंदर कोई आदर सम्मान भी नहीं होता है, तो तामसी होता है। हम जब दान देते हैं तो कभी नहीं सोचते, रास्ते में कोई भी खड़ा होता है उसको दान दे देते ना, हम सोचते क्या है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मेरा धन है उससे मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन चाहे कोई भी गुण में हम फंसते हैं, हमें पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, क्योंकि सत्वगुण में ऊपर के लोकों में जाएंगे, रजोगुण में सेंटर के लोकों में रहेंगे, तमोगुण में किए हुए कार्य के लिए नीचे वाले लोकों में जाना पड़ेगा। यदि हमें इन समस्त बंधनों से छूटना है तो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, त्रैविध्य त्रै गुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुन।
अर्जुन वास्तव में मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। मतलब आप जब दान देते हो तो भले आप दान दे रहे हो किसी जरूरतमंद को, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, दरिद्र नारायण है, ये दरिद्र नारायण है और इनकी सेवा करते हैं, वो सोचते हैं कि ये भी तो भगवान का स्वरूप है ना, इसलिए हम दरिद्र नारायण को की सेवा कर रहे हैं, उनको दान दे रहे हैं। ये केवल अज्ञानता ही हो सकती है। नारायण क्या कभी दरिद्र हो सकता है? नारायण तो लक्ष्मी का पति है, नारायण तो संपूर्ण यश और संपूर्ण धन का स्वामी है, वो भला कैसे दरिद्र हो सकता है? आज हमारे पास जो कुछ भी है वो उसी कृष्ण का है, उसी कृष्ण को अर्पण करने के लिए है। ये सोचकर यदि हम दान देते हैं कि ये दरिद्र नारायण भगवान का स्वरूप है, इनको दरिद्रता क्यों मिली है जानते हो आप? क्योंकि कोई गरीब बनता है, कोई दुखी बनता है, उसका कारण जानते हो? क्योंकि उन्होंने अपराध किए हैं, अपराध के कारण उनको यह दरिद्रता मिली है। तो यदि हम उनको दान देते भी हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं और है ना उनको वस्त्र देते हैं, उनको दवाई देते हैं, हॉस्पिटल कोई भी हम उनके लिए बनाते हैं, तो कोई भी कार्य हम ये करते हैं तो ये सोचकर करना है, यदि कॉन्शियसनेस ये है कि क्योंकि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो ये सब मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ उससे मैं भगवान को प्रसन्न करना चाह रहा हूँ। वास्तव में इसी से क्षेमम न विंदति विना यदर्पण, अगर भगवान के लिए नहीं कर रहा हूँ तो भले उसके पीछे कोई भी उद्देश्य है, कुछ इतना ही बड़ा मान सम्मान मिल जाए, यश मिल जाए, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा जब तक वो भगवान के लिए नहीं किया जाता है। तो अ डिवोटी टेक्स नो क्रेडिट, ही गिव्स ऑल क्रेडिट टू कृष्णा। वो कभी भी ये नहीं सोचता मैं कर रहा हूँ, ये मेरी योग्यता है, देखो मेरे पास धन है तो मैं कर, वो क्या सोचता है, ये तो भगवान का है ना, भगवान ने मुझे इसलिए दिया है कि मैं सेवा में लगा सकूं। और शुद्ध सात्विक सेवा क्या होती है, जब हम इस धन को, इस दान को किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर भगवान की सेवा होती है, मंदिर में ब्राह्मणों की सेवा में यदि दान लगता है ना, तो क्या होता है कि यदि आप अपने धन से एक मंदिर का निर्माण करते हो या मंदिर निर्माण हो चुका है उसके अंदर है ना क्लासेस का आयोजन करते हो, भागवत कथा का, तो जितने भी दरिद्र लोग आएंगे, जितने भी बीमार लोग आएंगे, जितने भी कष्टमय लोग आएंगे, वो जब भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो उनकी अपराध नष्ट होंगे। हम किसी को तब तक संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक उनके अपराध समाप्त नहीं होंगे। धन किसी को हम कितना देंगे, खाना भोजन किसी को कितना खिलाएंगे, कपड़े वस्त्र किसी को, जब तक उसके अपराध हैं तब तक उसको कष्ट मिलता रहेगा। तो वास्तविक दान ये है कि उनके अपराधों को नष्ट किया जाए, तो ऐसे कार्यक्रम किए जाए जिनके द्वारा वो भगवान के निकट आए। दान यदि हमें भगवान ने समर्थ बनाया है तो दान ऐसी जगहों पे देना चाहिए जहाँ पर के भगवान की सेवा होती है। और जितने जितने ज्यादा मंदिरों में भगवान की सेवा होगी, डीटी वर्शिप होगी, उतना उतना ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा भगवान के साथ संबंध जोड़ने का, भगवान की कथाओं को श्रवण करने का, हरिनाम संकीर्तन करने का, उसी से उनके सारे कष्ट नष्ट होंगे। तो वास्तव में वास्तविक लाभ जो है वो केवल भगवान की भक्ति से, भगवान की कथा को श्रवण करने से ही होगा। तो अगर हम कोई वास्तविक शुद्ध सात्विक दान करना चाहते हैं तो ये वही है कि हम किसी तरह से लोगों को भगवान से जोड़ें, क्योंकि जब वो भगवान से जुड़ जाएंगे उनके अपराध नष्ट होंगे, वो नाम जप करेंगे तभी उनके सारे कष्ट दूर होंगे। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है अपने तात्पर्य में कि विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, समाज या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योग अभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है। ऐसा किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं।
यदि हम भगवान की सेवा में इनका यूज नहीं करेंगे तो हमारे सारे गुण ही हमें कष्ट में, हमें बंधन में बांधेंगे। क्योंकि यदि भगवान की सेवा में नहीं यूज करेंगे तो ये सारी जो हमारी योग्यताएं हैं उनको हम इंद्र तृप्ति के लिए लगाएंगे, स्वार्थ पूर्ति के लिए लगाएंगे ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इस तात्पर्य में स्वार्थ की अत्यंत सुंदर दो व्याख्या की है। दो प्रकार से स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो निजी स्वार्थ होता है कि मुझे इससे आनंद हो, और दूसरा विस्तारित स्वार्थ होता है। विस्तारित मतलब एक तो मुझे आनंद हो, आई, एंड दूसरा माइंड। माइंड मतलब मेरा। कुछ लोग अपने परिवार के लिए ना बहुत 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 मेहनत करते हैं। वो समझते हैं कि मैं तो स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तो सेल्फिश नहीं हूँ ना, मैं तो सारी मेहनत करता हूँ कि मैं अपने परिवार वालों के लिए करता हूँ। वो समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा धर्म करते हैं। अब परिवार वाला स्वार्थ कैसे बढ़ेगा, विस्तारित स्वार्थ, के एक व्यक्ति अपने लिए करे या अपने परिवार वालों के लिए करे या अपने गांव वालों के लिए करे, उससे बढ़कर वो अपने देश वालों के लिए करे, उससे बढ़कर वो संसार के किसी भी लोग के लिए करे। लेकिन ये भी स्वार्थ है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर समझने की बात है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है, अर्थात अपराधमय। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अभी तो समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए तो किसी भी देश में देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जानते क्या बताना चाह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। जैसे एक बैंक का लुटेरा है, बैंक लूट के आता है और उसको अदालत में लेके जाते हैं, और जो जज है वो उससे पूछता है, आपको पश्चाताप हो रहा है, आपने इतना बड़ा अपराध किया? तो बोले, नहीं, मुझे पश्चाताप नहीं हो रहा है, ये बैंक मैंने अपने लिए नहीं लूटी है, मैंने इसलिए लूटी है ताकि मैं समाज सेवा करूंगा, इससे अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को सुखी करूंगा। तो क्या उसे माफ कर दिया जाएगा? चोरी चोरी होती है। उसी तरह से इन दिस वे एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। हमारे पास जो कुछ भी योग्यता है, जो कुछ भी है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की शक्ति है। इसलिए हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना होगा। यदि उस वस्तु को केवल हम अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए या संसार के लिए यूज करते रहेंगे, भले कितना ही हम सोशल वर्क करें, भले कितने ही हम नैतिक बनने का ढोंग करते रहें, लेकिन यदि भगवान की सेवा में नहीं यूज कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो सब व्यर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, संसिद्धिम हरि तोषण। हर एक वस्तु की यूज जो है, उसका इस्तेमाल जो है, वो भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। वास्तव में भक्तों, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि मनुष्य का जीवन ही इसलिए होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने इस जीवन के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें। भगवान को, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले भगवान को जानो, फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य शरीर पालने के लिए धन कमाता है, जो भी करता है शरीर को पालने के लिए कर रहा है ना, लेकिन ये शरीर को पाला क्यों जाए, शरीर को पालने का क्या लाभ है? सिर्फ एक ही शरीर को पालने का लाभ है कि इस शरीर के द्वारा हमें भगवान को प्राप्त करना है। किंतु जब तक ईश चेतना ना रहे, जब तक शरीर का पालन ईश के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ना हो, तब तक शरीर तथा आत्मा एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के लिए। जिस तरह से जानवर भी खाते हैं, जानवर भी आनंद लूटते हैं, जानवर भी है ना संभोग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य को इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमें ये जीवन भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है।
मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसी तरह चले यदि हम बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर दें, आर्थिक विकास यानी धन प्राप्त कर दें, बहुत सारा फिलॉसफी हमको पता चल जाए, वैदिक साहित्य के अध्ययन, यहाँ तक के पुण्य कर्मों को संपन्न भी कर लें, दान, अस्पताल खोलें, अन्नदान करें, ये सारे कार्य केवल भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्य तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, किसी सत्ता या व्यक्ति या समूह की तुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े स्कूल्स में सिर्फ जीवों को यही बताया जाता है कि कैसे आप अधिक से अधिक एजुकेशन प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, अधिक से अधिक अपनी लाइफ को सोफिस्टिकेटेड बनाओ। लेकिन वास्तव में भक्तों, जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ता है तो मनुष्य का मंगल कभी भी नहीं होता है। तस्मै सुभद्रस्य नमो नमः, उसी भगवान के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव का कल्याण होगा। हमारी सारी योग्यताएं भगवान को सरेंडर करने में, हमें हमेशा याद रखना चाहिए वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। हमारे पास जो भी शक्ति है, जो भी बुद्धि है, जो भी ज्ञान है, जो भी योग्यता है, वो भगवान की ही है। तो भगवान के सरेंडर रहकर, भगवान की शरणागति रहकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम उसको ईश भावना भावित होकर, कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर हम कार्य करते हैं तो उसी से हमारा मंगल होगा। सर्व मंगलमय भगवान के विषय में किस तरह से हम समझ सकते हैं, उसके लिए श्री प्रभुपाद जी अंत में बता रहे हैं कि उस तरह से श्रवण करना होता है जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर कैसे वर्णन हुआ है कि हमारी सारी योग्यताओं को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वास्तव में यही एकमात्र योग्यता है कि हम अपनी योग्यताओं को कैसे भगवान की सेवा में लगाते। अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनात्, जो वस्तुएं भगवान की भक्ति में हमारी सहायता करते हैं ना, वास्तव में वही आपका कल्याण कर सकती हैं। बाकी चाहे कोई भी संसारी एबिलिटी हो, वो भगवान की भक्ति करने में आपकी सहायता नहीं कर रही है तो वो आपकी एबिलिटी नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए त्याग कर देना चाहिए उन वस्तुओं को जो कि हमें भगवान से दूर करते हैं, और अपनी सारी क्षमताओं को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।